भाड़ा ले जाने की बात और फिर जीता भरोसा। नीमच में ट्रक चालक से हुई ठगी, अकाउंट से उड़ाए हजारों रुपए। साइबर क्राइम का फिर बड़ा मामला। अगर आप भी करते हैं फोन पे यूज तो हो जाइए सावधान। नमस्कार, मैं हूं रोहित बैरागी और आप देख रहे हैं टॉप डिजिटल न्यूज चैनल MP7 न्यूज, और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इन दोनों साइबर ठगी के मामले में नीमच में फिर इजाफा हो रहा है, जिसका शिकार इस बार एक ट्रक चालक को बनाया गया है। जहां साइबर ठग ने बड़े शातिराना तरीके से पहले दो लोगों की आपस में मोबाइल फोन पर हो रही बातचीत को सुना और बाद में इसका फायदा उठाते हुए ट्रक चालक को निशाना बना लिया गया। जब तक कि ट्रक चालक कुछ समझ पाता तब तक चंद मिनटों में ही उसके खाते से हजारों रुपये उड़ा दिए गए। जानकारी के अनुसार ग्राम बिजूखेड़ा जिला इंदौर निवासी राकेश पिता चंपालाल चौहान ने जिला नीमच पुलिस अधीक्षक कार्यालय स्थित साइबर सेल में अपनी ओर से शिकायत दर्ज कराई, जिसमें बताया गया कि उसके द्वारा अपने सिम पर फोन पे चला रखा था, जहां के दिनांक 7/3/2022 को ट्रक चालक राकेश चौहान ने अपने सेठ मैनेजर जितेंद्र पटेल को फोन किया, जहां मैनेजर द्वारा बोला गया कि मेरे हिमांशु रो लाइसेंस नीमच से मोबाइल नंबर 8818892223 से बात हुई है। वह नीमच में भाड़ा लेकर पीतमपुरा पहुंचना है। तत्पश्चात पीड़ित ट्रक चालक ने के पास 08476038983 मोबाइल नंबर से कॉल आने के बाद उसके खाते से 44,500 रुपये उड़ा दिए गए। जब तक पीड़ित ट्रक चालक कुछ समझ पाता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फोन पे के जरिए जीता भरोसा। खाते से रुपये उड़ाने से पूर्व हैकर द्वारा ट्रक चालक को भरोसा दिलाया कि वह फोन पे के जरिए 5,000 रुपये अपने खाते में डलवाए और तुरंत 10,000 वापस भी लौटाए, ताकि ट्रक चालक को कॉलर पर भरोसा हो जाए। हैकर ने पहले सुनी बातें फिर उड़ाए रुपये। हैकर ने रुपये उड़ाने से पहले ट्रक चालक के साथ ही मैनेजर व हिमांशु रोड लाइसेंस नीमच के आसपास आपस में हो रही बातचीत को सुना। उसके बाद उसके द्वारा ट्रक चालक को फ़ोन कर बोला गया कि मैं आर्मी जनरल मैनेजर बोल रहा हूँ और मुझे तुम्हें गाड़ी का भाड़ा देना है, उसके लिए तुम मुझे अपना अकाउंट नंबर दो। वह मैंने तुम्हारे व्हाट्सएप नंबर पर एक लिंक भेजी है, जिस पर तुम क्लिक करो, वह बारकोड को स्कैन करो, तुम्हें भाड़ा प्राप्त हो जाएगा। जिसके बाद कॉलर द्वारा बताए गए अनुसार ही क्लिक किया तो कुछ ही समय में ट्रक चालक के खाते से 22,000 के दो बार वो 4,500 रुपये का कुल भुगतान टोटल 44,500 रुपये खाते से कट गए। जिसके बाद ट्रक चालक द्वारा फिर नंबर पर कॉल किया गया तो वह नंबर बंद बताया गया। आप भी फोन पे रहिए सावधान। देखते रहिए हमारे साथ।